भाई साहब आप सिर्फ आदेश दीजिए, अरे ईंट से ईंट बजा देंगे इन लोगों की। अब आप भी यहां चुप मत बैठिएगा, जैसे देश के हजारों हिंदू चुप बैठे हुए हैं। अरे भाई बहुत अच्छी चाय बनाई भाभी जी ने, तो एक एक चाय और हो जाए। अरे नहीं भाई, सुगर के मरीज हैं हम, आपका बस चले तो आज ही निपटा दें। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? हाँ अभी आपको बहुत लंबा जीना है और समाज का कल्याण करना है। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही, समाज के कल्याण के लिए ही है हमारा जीवन। पता नहीं क्यों पर मुझे लग रहा है इस बार चुनाव आप ही जीतेंगे। अरे जीत हार से फर्क नहीं पड़ता, जनता के दिलों में जगह बना ले इतना ही काफी है। कहाँ है ऐसे आजकल नेता, हाँ सिर्फ चुनाव के समय में दिखाई देते हैं, और एक आप जो हमारे साथ कभी कभी बैठकर समय भी बिता लेते हैं और समाज के जो भी समस्या है उस पर भी बातचीत कर लेते हैं। अच्छा सुनो, चिंटू के स्कूल से कॉल आया था आज भी। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते भाभी जी। तो सलीम के बेटे से आज फिर झगड़ा हुआ उसका? किससे झगड़ा हुआ? वो पिछली गली में रहते हैं ना सलीम भाई, उनके बेटे के साथ में। ये बच्चों के बीच में होता रहता है। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, यही गलती कर जाते हैं आप और हम। जिस चीज को इग्नोर नहीं करना चाहिए उसे ही इग्नोर कर जाते हैं। मैं समझा नहीं। ये लोग कभी हमारे नहीं हो सकते। अरे मुंह से भले ही कितना ही भाई भाई बोले लेकिन इनके दिलों में हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत भरी है। आपने देखा नहीं उस सलीम के बच्चे ने आज दूसरी बार आपके बच्चे से झगड़ा किया है। भाभी जी दूसरी बार? हा? हाँ पर पर कुछ नहीं, बहुत फूले हैं। अरे ये लोग बचपन से ही नफरत घोल देते हैं हम लोगों के खिलाफ और हम लोग इन्हें अपना भाई मानते हैं। भाई साहब आप सिर्फ आदेश दीजिए, अरे ईंट से ईंट बजा देंगे इन लोगों की। अब आप भी यहाँ चुप मत बैठिएगा, जैसे देश के हजारों हिंदू चुप बैठे हुए हैं। अभी जाना होगा, एक कार्यकर्ता का मैसेज आया है। लेकिन भाई साहब बस आप एक आदेश दीजिए, इनको इनकी औकात ना दिखा दी ना तो साला चुनाव लड़ना छोड़ देंगे। चलते हैं। सलीम भाई, अरे सलीम भाई, सलीम भाई आए क्या घर पे? अरे नेताजी कैसे हैं आप? हम तो ठीक हैं, आप बताइए अपनी, सब खैरियत से तो है ना? बस सब अच्छा है, सब खैरियत से। बहुत बुरा हुआ सलीम भाई आपके साथ। मैं कुछ समझा नहीं। आपके लड़के को मारा गया? मेरे बेटे को मारा है। किसने? अरे सुरजीत के बेटे ने, स्कूल में। अरे नहीं नहीं वो तो बस ऐसे ही, वो बच्चों का होता है ना आपस में थोड़ा सा खेल खेल में ही थोड़े झगड़े वगड़े, तो वो ऐसे कोई बड़ी बात नहीं। सलीम भाई बहुत भोले हैं, बहुत भोले हैं, और आपके इसी भोलेपन का नाजायज फायदा उठाते हैं ये लोग, और इसकी शुरुआत हो जाती है बचपन से ही। मैं समझा नहीं। आज सुरजीत के बेटे ने आपके बेटे को मारा, आपने उसको समझा दिया, कल फिर मारेगा, कल फिर आप समझा देंगे। लेकिन सलीम भाई कब तक आपके बच्चे और आपके लोग इस तरह मार खाते रहेंगे और कब तक आप उन्हें समझाते रहेंगे? अरे भाई यही वक्त है, उठाइए पत्थर, अपने लिए, अपने लोगों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी पीढ़ियों के लिए। और आप अकेले थोड़ी ना हैं, हम लोग हैं ना आपके साथ। आप बस पहला पत्थर उठाइए और उसके बाद हजारों पत्थर हम चलाएंगे आपके लिए। वाह नेताजी वाह, कमाल का। अरे बैठिए बैठिए बैठिए, कहाँ जा रहे हैं आप? भाईजान चाय बन गई क्या? बस चाय बना ही रहा था मैं, एक्चुअल में आपकी जो भाभी जान है वो बच्चों को लेने गई है। मेरी बेगम जान, इनकी भाभी जान, वो इनके और मेरे बच्चों को लेने के लिए इस टाइम पे स्कूल जाती है। नेताजी पता है आपको इतना लंबा सुनने की आपको वजह क्या थी? चुप तो मैं आपको पहले ही करा देता, लेकिन अगर मैं आपको पहले चुप करा देता ना तो बहुत से लोग आज इस बात को समझ नहीं पाते। एक जरा सी बात को कैसे दंगे में बदलना है,
ये आप जैसे कुछ नेताओं से सीखना चाहिए। अरे सुरजीत भाई, हम लोग दूरदर्शन के जमाने के लोग हैं, जब ये रामायण महाभारत अलिफ लैला एक साथ देखा जाता था। ये आज के सोशल मीडिया वाले नहीं है, व्हाट्सएप फेसबुक वाले, जिनको लड़ाना बहुत इजी है, हमें लड़वाना बहुत मुश्किल है नेताजी। बचपन से हम साथ हैं, और हमारी लड़ाई अगर कभी किसी से हो जाती थी ना, तो हम हिंदू या मुसलमान बिना पूछे एक दूसरे के लिए लड़ जाते थे। बिल्कुल सही बात, आज की तरह नहीं है कि जरा सी लड़ाई को धार्मिक जामा पहना दिया और उसके बाद पूरे देश को अशांति के माहौल में झोंक दिया। अच्छा तो फिर मैं चलता हूँ, वो कार्यकर्ताओं के मैसेज आ रहे थे। अरे नेताजी बैठिए बैठिए, बस चाय बनी गई है, चाय पीकर जाइएगा। नेताजी इस बार का चुनाव तो आपके हाथ से गया, 4 वोट तो गए इनके, 2 मेरे घर के और 2 मेरे घर के।